नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नरेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इस समय प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन समाकलन में हमने दो विधियां बता दिया है आप लोगों को। अब हम बताएंगे कि प्रतिस्थापन समाकलन में कुछ इस तरह का समाकलन, जो जैसे सपोज देख मान लेते हैं कि एफ एक्स है और एफ एक्स का जो अवकलन हो वो एफ डैश एक्स हो और वो इस रूप में लिखा गया हो डी एक्स, तो हम क्या करेंगे कि इस एफ एक्स को टी मान लेंगे, एफ एक्स को टी मान लेंगे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हम लिखेंगे क्या, डी टी लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह मानकर हम समाकलन करेंगे। क्लियर है? जैसे अगर सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप में, और जब हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कास एक्स होता है, तो हम मान लें कि पुट करें वैल्यू, ठीक है, कि साइन एक्स बराबर साइन एक्स बराबर टी, तो कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी, अर्थात ये डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें टी डी टी, ठीक है। अब टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, टी के जगह पर क्या है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस सी, यही हो गया क्या आंसर। क्लियर है? तो लिख लीजिए जरा जल्दी से। दूसरा ये है कि यदि यह ऐसा होता कि यहाँ पर ऐसे होता लॉग एक्स अपॉन वन अपॉन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या लॉग एक्स बराबर टी, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स को टी लिख दें और डी एक्स अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे डी टी लिख दें, तो टी बराबर ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यानी टी के स्थान पर क्या है लॉग एक्स है, तो ये लिखा जाएगा लॉग एक्स का ऐसे होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, यही है आंसर। लिख लीजिए इसे भी। हो गया, जल्दी से करिए। हो गया, अब देखिए यदि ऐसे होता कि इंटीग्रेशन ऑफ अगला नंबर, यहाँ पर लिखें टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इस टेन एक्स को क्या मानेंगे, टेन एक्स को क्या माना जाएगा टी, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अभी हम लोग छोटा छोटा ही लगाएंगे, तो ये टी और सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, टी के जगह पर हमने माना है टेन एक्स, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, बोलिए। चलिए अगला नंबर है कि
ऐसे लिखाओ साइन या क्यू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। देखिए हमको इंटीग्रेबल बनाना होता है, इंटीग्रेबल जब तक बनेगा नहीं इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा। अब हम पहला तरीका सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन अर्थात इंटीग्रेबल बनाना, समाकलित रूप देना प्रतिस्थापित करके, एक के स्थान पे दूसरा कोई वैल्यू पुट करके। लेकिन कब किसके स्थान पे कौन सी वैल्यू पुट करना होता है वही हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें आज हम तीसरा विधि बता रहे हैं, थर्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मान लें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी है तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पे तो टी क्यू लिख देंगे और एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम डी टी बाई टू लिख देंगे, ठीक है। तो वन अपान टू यहाँ पे आ जाएगा, टी क्यू का हो जाएगा क्या टी पर फोर घात अपान फोर और प्लस सी। अब ये देखिए चार गुना क्या तो वन अपान एट और टी पर फोर घात और टी क्या है साइन, तो यहाँ पर लिख दें साइन एक्स स्क्वायर और इस पर लिख दें फोर घात और प्लस सी। इसका मतलब है कि वन अपान एट साइन टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यही हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, अगला नंबर है लिखा है साइन एक्स अपान ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है तो देखिए अगर हम ये पूरा को मान लें यानी वैल्यू पुट करें क्या कि ए प्लस बी कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर हम अवकलन कर दें x के सापेक्ष, a का तो जीरो हो जाएगा, b इंटू कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, और डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए ये माइनस b साइन x डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन x डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई बी लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दें कि साइन एक्स डी एक्स जगह पर माइनस डी टी बाई बी लिखेंगे और इसके जगह पर वन अपन टी स्क्वायर और माइनस डी टी अपन बी। अब देखिए माइनस तो पहले आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टी पर माइनस टू डी टी और यहाँ पर हो जाएगा बी, तो माइनस वन अपन बी और ये जाएगा टी पर माइनस टू प्लस वन, नीचे भी माइनस टू प्लस वन और प्लस सी। अब देखिए माइनस ये भी माइनस दो और दो में से एक जाएगा तो माइनस वन, माइनस और माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा वन अपान बी, और टी पर माइनस दो प्लस वन तो माइनस वन हो जाएगा तो वन अपान टी हो जाएगा और प्लस सी। इसका मतलब वन अपान बी और वन अपान टी के जगह पर लिखेंगे ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ए प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है, हो गया। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। Thank you.
चलिए अगला नंबर देखते हैं। जैसे अगर अब आप बताइए जरा साइन टू द पावर 6x और कास x हो तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे सभी लोग। निकालिए जरा जल्दी से इसका निकालिए। जल्दी से निकालिए। हो गया करिए जल्दी से। निकला नहीं निकला? चलिए देखिए इसमें आप क्या पुट करेंगे साइन एक्स बराबर टी। ठीक है तो कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इसलिए ये टी टू दी पावर सिक्स, ये टी है टी टू दी पावर सिक्स और कास एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिख देंगे तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी। ठीक है तो टी टू दी पावर सेवन यानी साइन एक्स टू दी पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी, साइन टू दी पावर सेवन एक्स प्लस सी और अपॉन सेवन। साफ कर लीजिए। हो गया। चलिए और देख लेते हैं जब ये इस तरह होता sec टू द पावर सेवन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इसका निकालना। जरा प्रयास करिए जल्दी से प्रयास करिए इसको निकालने के लिए। लगा सबसे पहला काम आपको प्रतिस्थापित करते समय यही देखना है कि किसके स्थान पर क्या रखना है। जहां ये आ गया तो आप साफ कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है चलिए क्या दिख रहा है अगर आप tan x मानते हैं t तो sec स्क्वायर तो है नहीं, sec x मानते हैं तो देखिए sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x into tan x। तो हम इसको क्या करें कि इसको एक बार और लिख लें ऐसे sec टू दी पावर 6x और देखिए sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये sec x इंटू टेन एक्स हो गया। अब ये sec x को हम t मान लें तो पुट करेंगे वैल्यू क्या sec x के स्थान पर t, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, इसलिए इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर डी टी लिख दें और यहाँ पर t टू दी पावर 6 और ये dt, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t टू दी पावर 7 अपॉन 7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, तो अब ये हो जाएगा t, t की जगह पर sec x तो sec टू दी पावर 7x अपॉन 7 प्लस c, यही हो गया आंसर। ठीक है हो गया। चलिए हो गया अब तो लग जाएगा क्यों हो जाएगा
अब देखिए क्या होता है कि जब भी जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार का लिखा गया हो, ठीक है, ध्यान समझिए कि ऐसे लिखा हो साइन टू द पावर एम एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अगर ऐसे है, इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, ठीक है, तो आप कैसे पुट करेंगे वैल्यू, जरा उसको समझ लीजिए। ठीक है, जब भी sec x और tan x होगा तो हमेशा sec x को मानिएगा, ठीक है। अगर ये होता कि 6 घात होता, 4 घात होता, 8 घात होता, तब आप tan x को मान लेते तो sec square x को इधर जाता, तो भी sec square x पर आप घात करते तो tan के रूप में बदलना पड़ता। तो हम उस कंडीशन में sec को ही मानते हैं और हमेशा इसका एक अलग कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे कि जब साइन टू द पावर एम एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स है, जरा यहाँ पर समझिएगा कैसे आप वैल्यू पुट करेंगे। अब एम और एन के मान पर निर्भर करेगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि साइन टू द पावर फोर एक्स है और यहाँ पर है कॉस क्यू एक्स, ठीक है, यानी यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पर क्या है 4 घात है। तो जो ये 3 घात है कॉस पर 3x है, तो आपको क्या करना होगा कि इसी को t मानना होगा, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है ना, क्या है विषम। तो आप क्या करेंगे कि इसे ही आप मानेंगे, अर्थात cos x को आप t मान लें, cos x को क्या मान लें t, ठीक है। तो cos x, अब देखिए जरा यहाँ पे कि अगर ये 3 घात है तो अगर आप ऐसे लिखते हैं साइन पर 4x, और ध्यान समझिए कि cos स्क्वायर x और cos x dx कर दे, ऐसे करते हैं, क्लियर। अब जरा देखिए कि अगर ये cos x dx हमने किया जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं cos स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है sin टू द पावर 4 है, क्या है sin टू द पावर 4। अब यहाँ पर आपको सोचना ये पड़ेगा कि किसको हम वैल्यू किसको माने, cos को माने कि साइन को माने, किसको माने, ताकि जो है हमें आसानी से सॉल्यूशन निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान में रखना होता है कि इस कंडीशन में, ठीक है, जब जो भी सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, मान लेते हैं कि m अगर विषम संख्या है, m क्या है विषम संख्या है और n सम संख्या है, m विषम संख्या और n सम संख्या है, तो इस कंडीशन में जो सम संख्या होता है उसे ही माना जाता है, उसे ही हम क्या करेंगे मानेंगे, सम संख्या वाले को ही मानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्या कहा कि ये साइन पर 4 घात है, यहाँ कॉस पर 3 घात है, तो हमने अलग अलग कर दिया, यहाँ पे 4 घात कर दिया, यहाँ 2 घात करके और एक, तो ये cos x dx। अगर हम sin x को, देखिए sin x को अगर t मानते हैं, sin x को t, तो cos x dx बराबर dt। अब देखिए cos x dx हो गया, dx हो गया। अब जो ये cos square x है इसके स्थान पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन टू दी पावर क्या है 4 घात x है, अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो साइन टू दी पावर 4 घात x, क्यों, और माइनस साइन पर 6 घात एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि कास एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब अगर हम गुणा करेंगे तो साइन एक्स को ही तो माने हैं ना टी, तो जब साइन एक्स को टी माने हैं तो ये टी पर 4 घात होगा और ये टी पर 6 घात होगा, और ये डी एक्स कास एक्स डी एक्स को हम लिखेंगे डी टी। अब तो अलग अलग इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, क्लियर है। तो एक बात ये याद रखिएगा कि वैल्यू पुट करते समय कि यदि यहाँ पर इसमें जो है m अगर सम संख्या है, m यहाँ देखिए ये इस पर क्या है, यहाँ पर m है और यहाँ पर क्या है n, तो यदि m m विषम संख्या है, m क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है, m अगर विषम संख्या है तो sin x को t मानेंगे, ठीक है, जो विषम संख्या होगा, सॉरी विषम संख्या है तो cos x को, जो सम संख्या होगा उसी को मानेंगे t,
क्लियर है, सम संख्या को ही माना जाता है। अब अगर n विषम संख्या हो, n विषम संख्या हो, n अगर विषम संख्या हो तो उस कंडीशन में साइन x को t मानेंगे, यानी विषम संख्या वाले पद को नहीं मानेंगे, सम संख्या वाले पद को मानेंगे जिस पर घात संख्या सम हो, घात की संख्या क्या हो, सम हो। क्लियर है। तो अब अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, तो एग्जाम्पल के रूप में अभी जो बताया उसको भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए जरा कि साइन टू द पावर 4 घात x और यहाँ पे है कास क्यू एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब ये घात अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, घात के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो अब देखिए ये है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे साइन टू द पावर 4x और इसको लिख दें कास स्क्वायर डी एक्स, कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्या कि साइन एक्स बराबर टी, तो कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पर हम इसे लिखें तो साइन टू द पावर 4 घात एक्स और कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लिखेंगे डी टी। तो अभी हम इसको इसी तरह लिख रहे हैं कास एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि t पर 4 घात और 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब जरा देखेंगे इसमें जब हम इंटीग्रेबल के रूप में बनाएंगे तो ये t टू दी पावर 4 घात का हो जाएगा क्या, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर t पर 5 घात बटा 5 और माइनस 6 है तो t पर 7 घात बटा 7 और प्लस c। अब देखिए t पर 5 घात तो t क्या माना है आपने, साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन टू द पावर 5 घात एक्स अपान 5 और प्लस यहाँ पर क्या है 6 घात है तो कास टू द पावर 6 घात एक्स अपान सॉरी 7 घात साइन पे साइन पर और यहाँ पर 7 प्लस सी, साफ कर लीजिए इसको। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, लिख लिए, चलिए अब देखिए, जैसे अगर इस रूप में लिखा गया हो कि ऐसे यहाँ पर ये f हो और इसमें लिखा हो fx का फलन, f जो है fx का फलन है, ठीक है, और g डैश x लिखा गया हो, f डैश x सॉरी यहाँ पर इनटू f डैश x dx, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि ये फलन का फलन है और fx फलन, ये f जो है fx का फलन है और एफ एक्स जो का अवकलन एफ डैश एक्स हो, इस रूप में जब दिया गया हो, ठीक है, जब इस रूप में कभी भी दिया गया होगा तो देख रहे हैं कि एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स एफ एक्स को ही हम मानेंगे टी, यानी यहाँ पर क्या मानेंगे, पुट करेंगे कि एफ एक्स जो एफ एक्स है इसी को टी मानेंगे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो अब ये जो हो जाएगा ये एफ टी टी का फलन हो जाएगा और जब टी का फलन हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा, अब ये आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका समाकलन। क्लियर है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा गया हो ऐसे
और यहाँ पे लिखा हो, ध्यान समझिए कि यदि यहाँ पर साइन लिखा हो, ठीक है, साइन लिखा हो और इसमें लिखा हो कि साइन, और यहाँ पर लिखा हो लॉग एक्स, ठीक है, अपान एक्स डीएक्स, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपान एक्स, तो डीएक्स बाई डीएक्स दिया है। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या कि लॉग एक्स बराबर टी, तो 1 अपान एक्स डीएक्स बराबर डी टी, इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी और डीएक्स बाई एक्स को डी टी, तो अब ये हो जाएगा साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस सी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस कॉस टी, तो कॉस टी टी की जगह पर क्या है लॉग एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर, क्लियर है। चलिए अगला नंबर एक और देख लेते हैं, पहले इसको साफ कर लीजिए। हो गया, चलिए अगर सपोज दैट ये ऐसे होता कि लॉग ऑफ यहाँ पे होता साइन एक्स, देखिए यहाँ साइन एक्स, और ये होता इंटू कॉस एक्स डीएक्स, तो अब देखिए ये साइन एक्स का फलन है लॉग, और ये लॉग का फलन है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या साइन एक्स बराबर क्या टी, तो अभी हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा लॉग टी और कॉस एक्स डी एक्स जगह पर क्या लिखेंगे डी टी, ठीक है। अभी क्या जाएगा लॉग टी, अच्छा लॉग टी का तो इंटीग्रेबल अभी हम पढ़े ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक मिस हो गया कि एग्जाम्पल हमने यहाँ रख दिया, लॉग टी का अभी इंटीग्रेबल नहीं पढ़े हैं, तो अब ये इंटीग्रेबल बन चुका है, ठीक है, ये इंटीग्रेबल बन चुका है, आगे आपको बताएंगे कि लॉग टी का इंटीग्रेबल कैसे बताएंगे, तो ये खंडशः समाकलन में बताएंगे, किसमें बताएंगे खंडशः समाकलन में, मिस हो गया हमसे कि हमने यहीं पर बता दिया आपको, तो खंडशः समाकलन में इसका बताएंगे कैसे आप जो है समाकलन ज्ञात करेंगे, क्लियर है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको न लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि खंडशः समाकलन में हम इसको बताएंगे किस तरह ये किया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल हम रख देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल रख देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए साइन और इसमें लिख दीजिए क्या टैन इनवर्स एक्स डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम पुट करें क्या वैल्यू, तो टैन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स बराबर हो जाएगा क्या डी टी। अब देखिए ये वन प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर है डी एक्स, तो डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर डी टी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख दें क्या कि साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस टी प्लस सी, दिस इंप्लाइज माइनस कॉस टी और टी के जगह पर क्या आपने माना तो टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स, और जब टैन इनवर्स एक्स आपने मान लिया प्लस सी, सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, क्यों अगला है वन अपान एक्स, और यहाँ पर लिखा गया है एक्स और यहाँ पर लिखा गया है कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, कॉस स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि लॉग एक्स को मान लें, पुट करेंगे लॉग एक्स बराबर टी,
वन अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये एक्स है ये डी एक्स वाई चला जाएगा और कास स्क्वायर, तो वन अपान कास स्क्वायर टी लागे, इसको टी मान लिया और डी एक्स वाई एक्स को ये डी टी हो जाएगा। अब कास स्क्वायर टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी और सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, टैन टी और प्लस सी। अब ये टैन टी, टैन और टी के जगह पर क्या आपने माना है, लॉग एक्स, यहाँ पर लिख दिए लॉग एक्स प्लस सी। हो गया, बोलिए। अब तो लगभग आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों आया। एक और लिख लीजिए, sec स्क्वायर x अपान अंडर रूट टेन एक्स है और ये dx है, इसका इंटीग्रेबल ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये तो आसान है, कर लेंगे आप सभी लोग, हो जाएगा। जरा करिए जल्दी से लगाइए। लगा नहीं आया, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे tan x को पुट करेंगे वैल्यू, tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। देखिए sec स्क्वायर x dx की जगह पर dt लिखेंगे और ये वन अपान अंडर रूट टी डी टी। अंडर रूट टी का मतलब ऊपर जाएगा तो टी पर माइनस एक बटा दो डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक बटा दो प्लस वन, नीचे भी माइनस एक बटा दो प्लस वन प्लस सी, तो ये ऊपर एक बटा दो हो जाएगा, नीचे भी एक बटा दो, तो दो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा दो दो और ये हो जाएगा रूट टी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि टू रूट टेन एक्स और प्लस सी, यही है आंसर। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। हो गया, चलिए अगला नंबर आप करिए, साइन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, जल्दी से निकालिए आप सभी लोग। साइन टू द पावर फाइव एक्स का इंटीग्रेशन करना है और एक और लिख लीजिए, सेक टू द पावर फोर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, दोनों का निकालिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी रहे। निकालिए, मैट्रिक्स तो भूल गए होंगे आप, याद नहीं होगा, डिटरमिनेंट्स भी नहीं याद होगा, क्यों याद है डिटरमिनेंट्स सारणी, भूल गए, सबकी याद है, केवल पढ़ लिए हैं पर पता नहीं। हो गया, दोनों निकल गया, जल्दी से निकालिए।
आया नहीं आया? लगा दिया जाए। चलिए देखिए, साइन टू दी पावर 5x dx, इसी का हम बताते हैं। अब आप देखिए कि साइन एक्स को अगर आप टी मानते हैं, साइन एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो यहां पर चाहिए कॉस एक्स डीएक्स तब लगेगा, तो यहां पर 5 घात है। अगर इसको हम लिखते हैं कॉस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यू एक्स, क्या लिखे हैं? साइन साइन क्यू एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस क्यू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, हम इसको दो भागों में तोड़ दें, ठीक है? समझिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे साइन क्यू एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है? अब जरा देखिए कि यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स को 1 cos² x लिखते हैं डी एक्स, ठीक है? अब अगर हम गुणा करें तो ये साइन क्यू एक्स माइनस साइन क्यू एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये अलग और ये अलग, ठीक है? अब आप देखिए कि ये दो पार्ट में बदल गया है, तो हमने आपसे बताया था कि इसे साफ करने का तरीका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड लिख दें, तो फर्स्ट पार्ट को अगर लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइन क्यू एक्स है और डी एक्स है, ठीक है? तो अगर हम साइन क्यू एक्स को टी मान लें, साइन क्यू एक्स को अगर हम टी मानते हैं, समझिए बात को, तो साइन क्यू एक्स को टी मानेंगे तो ये साइन क्यू एक्स को अगर यहीं पर टी मान लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स डी एक्स, ये ऐसे हो जाता है, बराबर हो जाता है क्या, डी टी। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स है नहीं, कॉस एक्स अगर होता तो हम किसी को भी एक को मान लेते, नहीं इसीलिए हमको बनाना पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ पे ये बना लिया हमने, ये बना लिया, अब ये भी ये तो हम कर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 2 घात है, अभी बताया सम और विषम का चक्कर रहेगा तो, और यहाँ पर देखिए अकेले आ गया, तो फिर इसको एक बार और तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है ये, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 cos² x और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है? अब इसे हम अलग लिखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? 1 cos² x, तो अब ये क्या हो जाएगा कि साइन एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर कॉस एक्स को आप मानेंगे तो साइन एक्स का आ जाएगा क्या माइनस कॉस एक्स हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है? और माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करेंगे अगर वैल्यू क्या साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ पे जाएगा माइनस साइन एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स अपन माइनस डी टी, तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों?
प्लस हो गया और ये हो गया क्या टी स्क्वायर डी टी, ठीक। तो माइनस का एक्स प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, तो यहाँ पर जाएगा माइनस कास एक्स प्लस ये टी क्यू अर्थात कास क्यू एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी तरह अभी सेकेंड पार्ट निकालना बाकी है, इसलिए अब सेकेंड पार्ट यहाँ पर हम कर दें समीकरण एक या दो जो भी हो, और अब सेकेंड पार्ट क्लियर कर दिया जाए, इसको समीकरण एक कर दें, इसको दो कर दें, और यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट द्वितीय पार्ट, द्वितीय पार्ट में क्या है साइन क्यू एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हमने आपको बताया था कि जो सम संख्या होता है उसी को मानते हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी कास स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख दें वन माइनस कास स्क्वायर एक्स, वन माइनस कास स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अगर हम साल्व करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा इसका इसमें, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो कास टू दी पावर फोर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो पहले इतना जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। हो गया लगा, चलिए अब यहाँ हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको। देखिए ये है सेकेंड पार्ट का द्वितीय पार्ट का, इसमें कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स और माइनस कास टू दी पावर फोर एक्स साइन एक्स डी एक्स, पुट करेंगे वैल्यू क्या कास एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये सभी मान रख दें इसमें, तो ये टी स्क्वायर माइनस जाएगा डी टी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और टी पर फोर घात डी टी। अब देखिए यहाँ पर जाएगा माइनस टी पर तीन घात बटा थ्री और प्लस टी पर फाइव घात अपॉन फाइव प्लस सी, ठीक है। और दिस इम्प्लाई यहीं पर लिख देते हैं, टी का मतलब है कास, तो यहाँ पर जाएगा माइनस कास क्यू एक्स अपॉन थ्री प्लस कास टू द पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव प्लस सी। अब ये सेकेंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, लिख कर जोड़ देते हैं सभी को क्योंकि यहाँ फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है, तो इसलिए इंटीग्रेशन जो था साइन टू दी पावर फाइव एक्स का, ठीक है डी एक्स का, वो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट और दोनों को जोड़ दें तो फर्स्ट पार्ट है कितना का माइनस कास एक्स प्लस कास क्यू एक्स अपान थ्री और ये माइनस कास क्यू एक्स अपान थ्री प्लस
कास्ट द पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, तो देखिए माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कास एक्स और प्लस कास्ट टू दी पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। हो गया। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ माइनस था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है। तो जब यहाँ माइनस होगा तो सेकंड पार्ट को घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कटेगा नहीं, हमने काट दिया है ना, कटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा दोनों, तो जुटेगा तो ये कास क्यू तो ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, और 2/3 और यहाँ पे कर दीजिए कास क्यू एक्स और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कास टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, ये लिख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा जरा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, प्लस हमने लिख दिया था। हो गया क्या, इसी तरह सेक टू दी पावर 5x को आप कर लेंगे, बोलिए लग जाएगा कि कर दें, हो जाएगा। sec टू दी पावर 4x था, sec टू दी पावर 4x का सलूशन हो जाएगा इसी प्रकार, नहीं हो पाएगा, कर दिया जाए, क्योंकि आप देखकर हालत आपकी खराब हो गई हमें लग रहा है। चलिए लीजिए कर ही देते हैं। ठीक है, sec टू दी पावर 4x dx इसको लिखें, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इंटीग्रेबल बना रहे हैं, इसको लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx, गुणा कर दें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका तो आपको पता है कि टेन एक्स हो जाएगा, इसमें टेन एक्स को मानना पड़ेगा, टेन एक्स बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, टेन एक्स प्लस यहाँ पे जाएगा टी स्क्वायर डी टी, अब ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, यानी टेन एक्स प्लस ये टेन क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हो गया,
अब तो आप कर लेंगे ऐसा, क्यों? तो आज इतना ही, इसके आगे बताएंगे कल कुछ और इम्पोर्टेंट बताएंगे और दूसरा प्रोसेस बताएंगे, प्रतिस्थापन करने का दूसरा तरीका बताएंगे, अलग तरीका बताएंगे कि अगर कुछ दूसरे तरह का होगा तो कैसे आप प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, किसके जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, ठीक है? तो हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन समाकलन, थोड़ा इसको आपको बहुत ही धैर्य से पढ़ना है, सोच विचार कर हमें प्रश्न का सलूशन करना है। थोड़ा भी माइनर अगर कर दिए, मिस्टेक कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा, लग नहीं पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेबल बनाना है। कैसे इंटीग्रेबल बनेगा, क्या करें, किसको गुणा करें, किससे भाग दें, किसको जोड़ें, किसके स्थान पर क्या वैल्यू पुट करें कि ये हमें इंटीग्रेबल बन जाए, ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से ज्ञात कर सके, इसी के विषय में हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो अभी कुछ और दिन सीखेंगे, उसके बाद हम आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कल इसके आगे चर्चा करेंगे, तो जरूर आप देखिए, और जितने भी दोस्त यार हैं सबको आप बताइए कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है, आप जल्दी से ज्वाइनिंग कर लीजिए कि समय से कोर्स समाप्त किया जा सके, ठीक है? तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।